अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आइएगा आज मैं उन नौजवान लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तेल बताने के लिए जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करके अपनी नसों को बिल्कुल कमज़ोर कर लिया हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नसें कमजोर हो जाती हैं हस्त मैथुन करने की वजह से, तो फिर इंसान जो है बीवी के लायक नहीं रह पाता, क्योंकि इरेक्शन पावर ही नहीं आती है, तो वो हम स्त्री के लायक भी नहीं हो पाता। तो अगर आपने हस्त मैथुन कर रखा है और आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज लगाने के लिए मिल जाए नफ्स के ऊपर जिससे कि हमारी नसें बिल्कुल दुरुस्त हो जाए और हमारी नसें अच्छी हो जाए, तो एक ऐसा घरेलू फार्मूला आपको बताने के लिए जा रहा हूं, एक ऐसी रेसिपी आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपने इसको कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी नसें जबरदस्त और पावरफुल हो जाएंगी, स्टैंडिंग पावर जबरदस्त हो जाएगी। चाहे आपकी टाइमिंग अच्छी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन नसों में तनाव देर तक नहीं रह पाता है। या मान लीजिएगा सुबह में इरेक्शन पावर तो आती है लेकिन फिर आते के साथ ही चली जाती है, देर तक नहीं रह पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये फार्मूला बहुत ही कामयाब और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा। ये करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आप ये लेंगे कच्चा प्याज। कच्चा प्याज आप ले लें और उसके आप टुकड़े कर लें, आधा प्याज लेके आप रख दीजिएगा। उसके बाद आपको कलौंजी लेना है। अगर आपके घर में कलौंजी ना हो तो कलौंजी आप ला सकते हैं। मार्केट से कलौंजी लाने के बाद आप एक चम्मच डाल के हमाम जिस्ते में उसका जो है पाउडर बना लें। उसके बाद में आपको एक चम्मच बादाम का तेल डालना है और एक चम्मच सरसों का तेल उसके अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद में अब आपको करना क्या है, उस तेल को मिक्स कर लें और किसी चीज में लेकर के उसको खूब पकाइएगा। जब वो काला पड़ जाए पकते पकते, अब उसको आप किसी बर्तन में निकाल लें। अभी आपका कच्चा प्याज रखा है, निकालने के बाद जब वो थोड़ा गुनगुना टाइप का रह जाए तो फिर आपको रात को ये अमल करना है। जब आप रात को सोने के लिए चले तो उस कच्चे प्याज को आप उसमें डुबोना है, उस तेल में, और कच्चे प्याज से आपको नफ्स के ऊपर वाले हिस्से में और दोनों साइडों में आपको मसाज करना है हल्के हाथ से, ताकि जोर ना पड़े, और निचले वाले हिस्से में आपको मसाज नहीं करना है। और हल्के से प्याज से इस तरीके से मसाज करते रहिएगा, कम से कम 5 मिनट मसाज करें, और फिर उसके बाद में पान का पत्ता बांध लीजिएगा और सुबह को गर्म पानी से धुल लीजिएगा। तो ये बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही ताकतवर, नसों को स्टैंडिंग पावर लाने के लिए नसों में, और नसों में ताकत और जोश लाने के लिए, और देर तक इरेक्शन पावर रहने के लिए ये बड़ा ही कामयाब फार्मूला है। फिर भी अगर आप नामर्दी का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें धात का, जिरियान का मरज होता है, नाइट फील की बीमारी होती है, या नामर्दी का शिकार हो जाते हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और जगह जगह से आप इलाज करा के थक चुके हैं, तो फिर मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो में दे रखा है, इस पर कॉल करके आप मेरे यहाँ से भी इलाज करा सकते हैं। अल्लाह पाक शिफाता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।